हेलो नमस्कार फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज इस चैनल पर जो वीडियो है ना आपके सामने, वो भौतिक विज्ञान का जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। वैसे भी जो आपका अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न जो 2 नंबर 3 नंबर का 4 नंबर के जितने भी अंदर आते हैं ना, उन क्वेश्चन को मैं दे दिया हूँ पहले भी, तो उसको जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट मिलेगी ढेर, नहीं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट हम दिखा देंगे, उसी स्क्रीनशॉट को आपको देख लीजिएगा, बगल स्क्रीनशॉट दिखाई दे देगा, इसको वीडियो जाके देख लीजिए, नहीं तो अभी कल पड़ी हुई है, कल क्या अभी इसे सुबह ही पड़ी हुई है, उस वीडियो को देख लीजिए। ये आपका लॉन्गेस्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 अंकों के सभी, मान के चलिए आपको 19 क्वेश्चन है टोटल, 19 क्वेश्चन में आपको 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ना गारंटी नहीं, अगर लगे तो अब लास्ट में वीडियो देखने के बाद, पेपर देने के बाद आप आके कमेंट कर दीजिए, गाली दीजिए, कुछ भी, ठीक है। चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने हैं, ठीक है, सभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि किसी वैद्य दुधिर के कारण अच्छी स्थिति में निरक्षी स्थिति में वैद्युत का व्यंजक प्राप्त करना है। इसमें आपको वैद्युत दुर्घ के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में वैद्युत जो व्यंजक होता है उसको आपको करना, अच्छी निरक्षी दोनों देख लेना वैद्युत दुर्घ का, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका स्थिर वैद्युत में गौस का प्रमेय, स्थिर वैद्युत में आपका गौस का प्रमेय है, ठीक है, इसका गौस का प्रमेय है और गौस का नियम जो भी होता है उनका जो अनुप्रयोग है उसको भी पढ़ लीजिएगा। स्थिर वैद्युत में गौस का प्रमेय को पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके जो अनुप्रयोग है उनको भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 3 नंबर है आवेशित चालकों, आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव व ऊर्जा में ह्रास का व्यंजक प्राप्त करिए। जो ऊर्जा विभव होता है, मतलब उभयनिष्ठ विभव के बारे में, जो ऊर्जा के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा जो आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निर्माण करना है। समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता जो होती है ना, उसके लिए आपको व्यंजक का निर्माण करना है। ये आपका अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, इसके आधार पर ओम का नियम का निगमन करना है, ठीक है। ये हो गया आपका ओम के नियम का निगमन करना है, और मतलब अनुगमन वेग अपवाह वेग जो होता है इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उदाहरण सहित बताना है, और संधि नियम, जिसमें आपका संधि का नियम और लूप या बंद का नियम भी पढ़ लीजिएगा। लूप और बंद का नियम जो है उसको भी पढ़ लीजिएगा, उसके साथ साथ किरचॉफ के जो भी नियम है उनको उदाहरण सहित पढ़ लेना है वैद्युत परिपथ के लिए, ठीक है, ध्यान दे दे करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका विभव मापी का सिद्धांत समझाइए और इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। विभव मापी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके द्वारा सेल का EMF कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ये आपको बायोसेट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत आता है, इसको ध्यान लीजिएगा, ये भी अगला क्वेश्चन है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एम्पियर के परिपथीय नियम और इसके अनुप्रयोग को बताइए, इसके अनंत लंबाई और सीधे परिवाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र साबित करना है, ठीक है, इसको देख लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन है तो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और इसके साथ साथ इसके आधार पर वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत धारा है उसके मात्रा के एम्पियर में परिभाषा देना है, ठीक है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक प्राप्त करना है और इसके आधार पर वैद्युत धारा के जो मात्रक एम्पियर परिभाषा देना है। 11 नंबर है आपके सामने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है परिभाषा सहित, और उनके सभी प्रकार जो होते हैं उनको समझें, जैसे अनोन प्रेरण गुणांक की परिभाषा सहित और मात्रक भी अनोन प्रेरण गुणांक, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला 12 नंबर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इसको सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब सॉरी वर्णन करना अच्छी तरीके से, जिसमें आपका मैक्सवेल का सिद्धांत, मैक्सवेल का नियम आता है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है, एक क्वेश्चन ये अलग क्वेश्चन है, किसी गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन सूत्र का प्रयोग करते हुए पतले लेंस के लिए N-1 और ये सूत्र प्राप्त करना है। आपको पता होगा गोली पृष्ठ पर अपवर्तन में यह फार्मूला प्राप्त करना है। 13 नंबर क्वेश्चन प्रिज्म का अपवर्तनांक ये वाला फार्मूला sin5 sin n, तो इसका निगमन करना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक का जो सूत्र का निगमन होता है ये वाला ना, यही वाला आपको निगमन करना है, ठीक है, ये वाला सूत्र। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन और लिया है, ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए और परि जो उसका परिभार अनुपात का सूत्र
आपको बनाना है, उसका उत्पत्ति करना, उसको बताना है सूत्र का, ट्रांसफार्मर वाला। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन के बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तरंगाग्र किसे कहते हैं? तरंगाग्र किसे कहते हैं? और हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत का व्याख्या करना है ये। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या, यंग के प्रयोग और एकल झिर्री जो होता है इसका पूरी तरह डिटेल पढ़िए। उसके बाद द्विझिर्री होता है, इसका प्रकाश के निर्वात प्रारूप की व्याख्या करना है। मतलब इसमें प्रकाश के निर्वात में प्रारूप का व्याख्या करना है, साथ साथ आप फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिंजों की चौड़ाई और व्यंजक प्राप्त करना है ये। 16 नंबर है, प्रकाश के वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना कीजिए, जो कि आइंस्टीन का समीकरण ये है। प्रश्न में आपको ये दिया नहीं रहे, हो सकता है दिया भी रहे नहीं दिए रहे दोनों, लेकिन मैंने समीकरण को लिख दिया है ये चीज़। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो भी आपका लाइमन श्रेणी, बावन श्रेणी या वाटसन श्रेणी, सभी श्रेणियों की उत्पत्तियों को समझाना है अच्छी तरीके से। 18 नंबर, बंधन ऊर्जा के आधार पर नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन को समझाना है अच्छी तरीके से। 19 नंबर है आपका, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को परिपथ का चित्र बनाइए और कार्यविध भी समझाइए, जिसमें आपका अधिदिशक भी आ सकता है, पश्च दिशक भी आता है। एक क्वेश्चन ये अलग है, ये वो अलग आपको पीएन में ही आएगा, पीएन डायोड में, और वो पीएन डायोड का ये क्वेश्चन हो गया। कुल मिलाकर आपका 21 क्वेश्चन हुआ है, 21 क्वेश्चन, जो बीच में 2 नंबर हम डाले नहीं थे, भूल गए थे। तो इतने क्वेश्चन आपको याद कर लेना, 100% आपको मिलने वाला है। अगर इतने क्वेश्चन आपको याद कर लेते हैं, इतने क्वेश्चन देख लेते हैं, 100% इसी से मिलेंगे। आपको क्या करना है, जाके लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर प्रश्न को देख लेना है, वो भी डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री के लेके आ रहे हैं, जस्ट ही आज ही क्या कल पड़ जाएगी वीडियो, वो भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अलग सब्जेक्ट का लेकर आएंगे धीरे धीरे, मतलब परीक्षा से आने पहले सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे। ओके, इतना ही है। और सभी सब्जेक्ट के लिए सभी प्लेलिस्ट आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लिए। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक संतोष मुर्गा दीजिए, वनी टेक्नो प्लस। गुड बाय, टेक केयर।